Hi, myself, I'm Ratna Bhushan. Welcome to ASG Abhinav Study Group that is dedicated to IAS and NEET examinations. My programs are very useful for IAS, PCS and SSC and many other examinations. My dear friends, please share, subscribe and like. By making this thing, a lot of students are also going to be benefited. मैं आज आप लोग को साइंस और टेक्नोलॉजी के इस सेक्शन में स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे बच्चों का कमज़ोर भी रहता है। दोस्तों, ये छोटा सा प्रोग्राम अपने साथ नोटबुक लेना रख के ना भूलना। वीडियो सुनते रहें और अपने माइक्रो नोट्स जरूर बनाते रहें, माइक्रो नोट्स जरूर बनाते रहें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अगर मैं किसी से बात करता हूँ तो कहते हैं कि सर मेरे पास बहुत सारा नोट्स है। मैं पूछता हूँ नोट्स का क्या किया आपने, कितना परसेंट आपने पढ़ा है, कितना याद किया है, दैट मैटर्स। और मेरा वीडियो अगर आप सुनते हैं तो धीरे धीरे मैं ऐसे से टिप्स आपको बताऊँगा कि कैसे UPSC का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है, कैसे नीट का एग्ज़ाम आपको निकालना है इन वेरी ईजी वे। सबसे पहले नोट्स कम पढ़िए, एक माइक्रो नोट्स जो बनाइए उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, जब तक एक तैयार ना हो जाए तब तक दूसरी तरफ मत पढ़िए। तो स्पेस और टेक्नोलॉजी के इस चैप्टर में आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडिया। द इंडियन स्पेस प्रोग्राम बिगेन इन 1962 बाय द सेटिंग अप ऑफ इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसको हम बोला जाता है इनको स्पार के नाम से जाना जाता है, INCOSPAR। तो 1962 में चालू हुआ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो वाज सेटअप इन 1969 विथ इट्स हेडक्वार्टर एट बेंगलुरु। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन 1972 टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट। थुम्बा इक्विटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन वॉज सेटअप इन द 1963 नियर तिरुवनंतपुरम इन केरल टू प्रोवाइड लॉन्चिंग फैसिलिटीज। श्रीहरिकोटा रेंज, जिसके हम लोग बोलते हैं SHAR, श्रीहरिकोटा रेंज इज अनदर सेटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। इट वॉज सेटअप एट श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। तो देखिए, एक आंध्र प्रदेश में और एक केरल में, केरल में तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। SHAR has been renamed as Satish Dhawan Space Center. India launched its first second satellite named Bhaskara First on 7th June 1979 from Baikonur, former USSR. The first Indian remote sensing satellite was launched on 17th March 1988. Apple was the first Indian communication satellite. Apple मोबाइल ने समझिएगा, केवल ये भारत का भी एक सैटेलाइट है। एप्पल वॉज द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इट वॉज लॉन्च ऑन 19th June 1981 फ्रॉम द कुरू इन फ्रेंच गुयाना, साउथ अमेरिका। इट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट टू बी प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। मेरा ये प्रोग्राम जो है, दैट फैक्ट आई एम टेलिंग यू, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक बुक है, NCERT बेस्ड है। दिस वॉज रिटन बाई सिलवन सिंह एंड द कीर्ति रस्तोगी, उनके द्वारा लिखा है, उसके फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, उसमें कुछ मैं अपना भी ऐड कर देता हूँ। इंडिया डेमोस्ट्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन फॉर द कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड रिमोट सेंसिंग। इट इज डेजिग्नेटेड एंड डेवलप्ड एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट आर्यभट्ट भास्कराचार्य। आर्यभट्ट को आप जानते होंगे, ही वॉज बिलोंग टू वेरी एंशेंट टाइम पीरियड, पाटलिपुत्र, जिन्होंने पाई शून्य और उनकी किताब आर्यभट्ट की थी, उन्हीं के नाम पर है, आर्यभट्टीयम के नाम से थी। अच्छा, भास्करा, एप्पल एंड रोहिणी इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स SLV-3 एंड SLV-3। रोहिणी एक जगह भी है आपका दिल्ली में। इंडिया सक्सेसफुली सेंट इट्स स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान फर्स्ट टू मून इन नवंबर 2008। इट ज्वाइंड ए स्पेशल क्लब ऑफ 4 countries टू सेंड अ प्रोब टू द लूनर सर्फेस। 100th स्पेस मिशन ऑफ इंडिया टूक ऑफ इन सेप्टेम्बर 2012 व्हेन इंडिया मेन वर्क हॉर्स पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV सक्सेसफुली प्लेस्ड फ्रेंच स्पॉट 6 SPOT-6 एंड जैपनीज प्रोटर्स सेटेलाइट इन द डेजिग्नेटेड ऑर्बिट। आर्यभट्ट द फर्स्ट इंडियन स्पेस सेटेलाइट
आर्यभट्ट, फिर से मैं रिपीट करूंगा, आर्यभट्ट द फर्स्ट इंडियन स्पेस सेटेलाइट वॉज लॉन्च ऑन 19th अप्रैल 1975। इंडियन नेशनल सेटेलाइट दैट इज इनसेट सिस्टम कमीशन इन 1983। इनसेट इज ए मल्टीपर्पज सेटेलाइट सिस्टम ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग, मेट्रोलॉजी, डिजास्टरिंग, वार्मिंग, सर्च एंड रेस्क्यू, टेली एडुकेशन प्रोग्राम ऑफ इसरो थ्रू इनसेट, GSAT सीरीज ऑफ सेटेलाइट सपोर्ट डिस्टेंस एडुकेशन, टेली मेडिसिन प्रोग्राम इज एन इनोवेटिव प्रोसेस टू डिलीवर द हेल्थ केयर सर्विसेज टू रिमोट डिस्टेंट एंड अंडर सब रीजन ऑफ द कंट्री, सब रीजन ऑफ द कंट्री। इंडियाज स्पेस रिसर्च सेंटर्स, देर आर वेरियस स्पेस रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट टॉपिक में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जब मैं बताऊंगा तो मैं आपको इंडियाज स्पेस रिसर्च सेंटर के बारे में बताऊंगा, जितने भी भारत में रिसर्च सेंटर है उनके बारे में बताऊंगा, फिर मैं इसके जो इवेंट्स भारत में हुए इंपॉर्टेंट इवेंट्स उसको भी जिक्र मैं आप लोग के साथ करूँगा। तो दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, एंड वट एवर यू नीड प्लीज़ डू कमेंट। वेरी सून ऑन 26th of November आई एम स्टार्टिंग ऑनलाइन क्लासेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी मात्र 8,000 रुपये में। इसमें मैं आपको 15 बुकलेट भेजूंगा और उस 15 बुकलेट के जरिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्लस आपका इवेल्युएशन करूंगा, प्लस 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक भी भेजूंगा। सो थैंक यू, देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।